तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान, तो उसका जो दूसरा वाला बुक है यानी कि जो इंडिया वाला बुक है, तो उस ये बुक का हम लोग देखने वाले हैं। जितना भी चैप्टर आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको तो पता ही होगा कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो हमने बेसिकली एक पहल किया है कि आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो। तो इससे पहले बच्चों मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसके अंदर जो आपका फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का, उसके अंदर से सेकेंड टर्म में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको करवा दिए हैं इससे पहली वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वो वीडियो आप जा करके पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये वीडियो देखिए जिसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका जो सेकंड वाला बुक है उसके सारे चैप्टर्स जो आ रहे हैं जो टर्म टू में आ रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो और तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा। और हाँ बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपको मैं बोलना चाहूँगा, वैसे तो मैं ये चीज़ बोलता नहीं हूँ, आज इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक्स का, ठीक है। तो अगर आप 100 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो शायद ही कोई है जो इस तरह से आपको सिलेबस जितने भी है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता है एक ही वीडियो के अंदर, एक दो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आज आपको मैं बताना चाहूँगा मेरा बर्थडे भी है। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर नंबर हमारा 5 है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। तो देखिए ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये कांग्रेस वाला चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली वाला, इसका नाम बदल दिया गया है। पीडीएफ में वही वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ जो पहले भी यूज किया था, लेकिन एक वीडियो के अंदर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, वह प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। चुनाव आयोग का गठन किया गया था जनवरी 1950 के अंदर और प्रथम चुनाव आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन, ठीक है। आपको तो पता ही होगा अभी इलेक्शन चल रहा है, चाहे यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में बात कर लीजिए, पंजाब में बात कर लीजिए, तो इलेक्शन के बारे में आपने न्यूज में, अखबारों में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। तो वही चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं हम लोग अभी इस वीडियो में, जो चुनाव आयोग अभी चुनाव कंडक्ट करवा रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या होता है, चुनाव पूरी तरह से सफल रूप से क्या कहते हैं, मतलब कंडक्ट करवाना, कह सकते हैं सफल बनाना चुनाव को। तो चुनाव आयोग जो है उसका गठन हुआ गया हमारा जनवरी 1950 में और प्रथम चुनाव आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन जी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में हुए प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व या कह लीजिए दबदबा हमें क्या होता है देखने को मिलता है, तो इसके किन्हीं 2 कारणों को बताना है हमें, ठीक है। तो कांग्रेस का जो है सो कि प्रभुत्व या दबदबा हमें क्यों देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए 2 कारण पूछा है आपसे यहाँ पर, तो हम 3 बता देते हैं बच्चों। तो देखिए कांग्रेस जो था आपका, पहले 3 आम चुनाव जो हुए भारत के अंदर उसके अंदर दबदबा उसका देखने को मिला कांग्रेस का, ठीक है। तो इसके कई सारे कारण है, 3 कारण तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। दबदबा मतलब देखिए पहले 3 आम चुनाव में बहुत ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले, इसके कारण क्या थे, कारण ये थे कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक थी 1985 में जो है सो कि इसका गठन हुआ था कांग्रेस का। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी, ठीक है। चमत्कारी नेता जैसे नेहरू जी, पटेल जी, ये सारे इसके अंदर थे। जैसे अभी बीजेपी जो है एक रूलिंग पार्टी है देश के अंदर, तो उसके अंदर एक चमत्कारी नेता, एक नहीं कई सारे चमत्कारी नेता है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मोदी जी हो गए हमारे, योगी जी हो गए हमारे, ठीक है, अमित शाह हो गए हमारे। तो ये सारे चमत्कारी नेता आप इनको कह सकते हैं, चमत्कारी नेता क्यों, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो विदेशों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है मोदी जी। अमेरिका में जब गए थे मोदी जी तो हाउडी मोदी करके एक कार्यक्रम चला था, तो इससे पता चलता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी विदेशों में भी कितनी है। उसी प्रकार से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो नेहरू जी जो थे हमारे यहाँ पर, उनकी पॉपुलैरिटी केवल देश में नहीं थी बल्कि विदेशों में भी थी, ठीक है। विदेश की लोग भी जो है सो कि नेहरू जी को बहुत मानते थे। और पटेल जी का तो आपको पता ही है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त होना मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति करने में कह लीजिए इनके कई सारे नेताओं ने अहम योगदान निभाया था।
ठीक है। तो ये दो तीन कारण थे जो आप लिख सकते हैं कि जो प्रथम तीन आम चुनाव हुए थे, फर्स्ट थ्री इलेक्शंस जो हुए थे कंडक्ट भारत के अंदर, उसमें कांग्रेस का दबदबा एक तरह से क्यों देखने को मिला था भारत के अंदर। तो ये कुछ कारण थे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे 1964 से 1966 तक के भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो इस काल के दौरान भारत के सामने कौन सी दो बड़ी समस्याएं आई थी। शास्त्री जी का शासनकाल काफी छोटा रहा, उतना बड़ा शासनकाल इनका रहा नहीं, लेकिन जब इनका शासनकाल था, देखिए शासनकाल ठीक था लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, वो खैर एक अलग मुद्दा है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछने का प्रयास कर रहा है कि जब शास्त्री जी का शासनकाल रहा 1964 से 1966 तक का, तो इस टाइम पे ना दो बड़ी समस्याएं आई थी। समस्याएं तो काफी सारी थी, लेकिन कौन सी ऐसी दो बड़ी समस्याएं आई थी इनके शासनकाल में, ठीक है। तो एक आप लिख सकते हैं 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था, ये एक बड़ी समस्या थी। अब युद्ध तो जाहिर सी बात है समस्या है ही है। खाद्यान्न संकट भी हमें देखने को मिला था मानसून की असफलता के कारण, ठीक है। और इन्होंने जब नारा दिया था आपको याद होगा जय जवान जय किसान का, एक टाइम का खाना छोड़ दिया था इन्होंने कि देश के अंदर खाद्यान्न संकट आ गया था, यानी कि खाने की कमी हो गई थी, अनाज की कमी होने लग गई थी, ठीक है। तो ये दो बड़ी समस्याएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके, अगर बड़े में भी आ जाता है तो, बड़े नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है तो, ठीक है। नीचे चलते हैं बच्चों, नीचे आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सिंडिकेट किन्हें कहा जाता था, ठीक है। तो सिंडिकेट देखिए कांग्रेस के भीतर ही प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल तौर पे हम लोग इनको सिंडिकेट कह देते थे। यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर 10 नेता थे एग्जाम्पल के लिए, तो 10 में से मान लीजिए जो प्रभावशाली 3 या 4 नेता थे ना, उनको ही हम लोग सिंडिकेट कह देते थे। आप फोटोज में यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखिए 1971 के चुनाव में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव गठबंधन बनाया, इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 1971 का जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कंडक्ट हुआ, उस टाइम पे इलेक्शन चुनाव करवाया गया, तो उसमें जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने चुनावी गठबंधन बनाया, इसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। कांग्रेस से हट करके जो बेसिकली पार्टियां थी ना, ठीक है, या कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी, सब मिल करके क्या किया कि एक गठबंधन बना लिया कि भाई कांग्रेस को हराना है, उनको ही हम लोग ग्रैंड अलायंस कह देते हैं। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आया राम गया राम किसे कहा जाता है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इस तरह से आपको फोटो देखने को मिलेगा, आया राम और गया राम हूबहू वहीं से मैंने एनसीईआरटी से फोटो लिया है आपका, ठीक है, कार्टून बेसिकली। तो आया राम गया राम क्या है, हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम गया लाल था, उन्होंने क्या किया था, कुछ ही घंटों के अंदर कई बारी पार्टी बदल ली थी, जिसके कारण उनका नाम क्या पड़ गया, आया राम और गया राम से प्रसिद्ध हो गया उनका नाम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हरियाणा के एक विधायक का नाम था गया लाल, गया लाल ने क्या किया था, कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी कई बारी बदल ली थी। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं बताऊं तो मान लीजिए वो कोई कांग्रेस में है तो तुरंत वो बीजेपी में चला गया, तुरंत बीएसपी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से कई बारी उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर, लगभग कहा जाता है 9 घंटों के अंदर 2-3 बारी पार्टियां बदल ली थी, इनका नाम क्या, इसीलिए इनका नाम प्रसिद्ध हो गया आया राम और गया राम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आया राम गया राम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी ने सकारात्मक नारा दिया था अर्थात गरीबी हटाओ, तो वहीं ग्रैंड अलायंस ने क्या नारा दिया था। देखिए इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव नारा दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, लेकिन उसकी कह लीजिए इंदिरा गांधी के अपोजिट यानी कि ग्रैंड अलायंस वालों ने क्या नारा दे दिया, इंदिरा को ही हटा दो भाई, खत्म कहानी, हटाओ इंदिरा को तो ये नारा दे दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रीवी पर्स की समाप्ति पर इंदिरा गांधी जी चुनाव में जोर दे रही थी, इससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए प्रीवी पर्स क्या होता था, जब जो आपके जो शासक थे या कह लीजिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 565 रियासतें थी, तो रियासत के राजा भी थे। अब भाई उनको क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा के भारतीय संघ में शामिल कर लिया हम लोगों ने, लेकिन वो लोग बोले कि चलो हम लोग शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन देखिए हम लोग आप में शामिल हो जाएंगे तो हम तो एक नॉर्मल आदमी बन जाएंगे ना, एक आम नागरिक बन जाएंगे, अभी तो हम लोग राजा है, अपुनिस भगवान है टाइप का,
ठीक है, तो हम क्यों शामिल हो? तो वहां पर ना सरदार पटेल जी और कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको क्या करते हैं, प्रीवी पर्स देते हैं। ठीक है, प्रीवी पर्स में क्या होगा कि हम आपको कुछ स्पेशल चीजें देंगे। अब वो स्पेशल चीजें क्या थी, जैसे कि रियासत के शासक के परिवार को सीमित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, यानी कि जो जैसे मान लीजिए आपका एक रियासत का राजा है, ठीक है, तो उस रियासत का राजा का जो परिवार होगा ना, वो सीमित मात्रा में क्या रख सकता है, संपदा रख सकता है, संपत्ति को रख सकता है। उसके बाद बोला गया कि सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे उनको, ठीक है ना, कुछ विशेष भत्ता, कुछ पैसे से मदद की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आम नागरिक से आप थोड़ा ऊपर उठ के रहेंगे, तो इसीलिए आप प्रीवी पर्स पे साइन कर दो। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि चुनाव में मतलब जोर दे रही थी कि प्रीवी पर्स को खत्म करो, और उन्होंने कर भी दिया था। ठीक है, तो ये था प्रीवी पर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रीवी पर्स होता क्या है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, वह ईवीएम शब्द का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ईवीएम की पूर्ण रूप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहते हैं, ईवीएम को। और अगर हम बात करें पहले आम चुनाव में कांग्रेस जो पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह क्या था, तो दो बैलों की जोड़ी था, कुछ इस तरह से, दो बैलों की जोड़ी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नीचे चलते हैं, ये हो गया, ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखिए कुछ दो बैलों की जोड़ी, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, समझने के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये फुल फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इन सभी के पूर्ण रूप लिखिए, जैसे PUF का फुल फॉर्म क्या है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जिसको आप कह सकते हैं, SVDK क्या है, SVDK यानी कि संयुक्त विधायक दल, CWC क्या है हमारा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और DMK क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। ठीक है, इनके कई बार फुल फॉर्म्स आपसे पूछ लेता है पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे चलते हैं बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, इसके किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए 60 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि 60 के दशक में 1962 का भारत चीन युद्ध देखने को मिला, जिसके अंदर चीन ने क्या किया, भारत का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया, जिसको वो लोग अक्साई चीन बोल देते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध देखने को मिला, नदी जल बंटवारे को या पानी के विवाद को लेकर के सूखे की समस्या स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, खाद्यान्न संकट हमें यहाँ पर देखने को मिला, दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हमें यहाँ देखने को मिली। तो ये कई सारे कारण है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि 60 के दशक में हमें ये सारी प्रॉब्लम झेलने को पड़ी थी, तो इन सबको एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नया नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ये इमरजेंसी आपातकाल वाला चैप्टर है आपका ये। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब और किनके द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको पता है भारत के अंदर इमरजेंसी लागू किया गया था, यहाँ पर भारत के अंदर, तो कब हुआ था और किनके द्वारा किया गया था ये पूछ रहा है। तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, और किस किसके द्वारा या किनके द्वारा की गई थी, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। बैकएंड में सपोर्ट कर रही थी इंदिरा गांधी जी। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से आता है कई बार कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे सरकार ने तर्क क्या दिया, यानी कि सरकार ने क्या फैक्ट बताया कि हम आपातकाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे चीजें बताई थी उनके, उन्हीं में से दो तीन चीजें यहाँ ले लीजिए कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा दिया था, यानी कि राष्ट्रपति जी के मतलब उनका शासनकाल, राष्ट्रपति जी अब क्या करेंगे, शासन करेंगे, क्योंकि क्या था, उन्होंने बोला कि देश में आंतरिक गड़बड़ी चल रही है भाई, और देश की अखंडता पर खतरा है, यानी देश के टूटने का खतरा है, इसलिए क्या किया सरकार ने, आपातकाल लगा दिया। ये सरकार का तर्क था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि शाह आयोग क्या था, वो आपको बताना है। तो देखिए शाह आयोग क्या था कि आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, इसे ही हम लोग शाह आयोग बोल देते हैं। यानी कि आपातकाल की जांच के लिए बनाया गया था कि आपातकाल सही था नहीं था, अपनी रिपोर्ट पेश करो। ठीक है ना, तो ये था, ये कब बनाया गया, 1977 में
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे, जिनका नाम जेसी शाह था, इनके ही अध्यक्षता में बनाया गया था ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अभी वीडियो में मैंने बात किया, तो आप ये कमेंट करके बताइए मुझे अब कि गरीबी हटाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था। और जो भी क्वेश्चन देता हूँ ना, कमेंट करके जरूर बताइए, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी है कितनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, कि सन 1974 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो रेल हड़ताल का जो नेतृत्व करने वाले आदमी का नाम है वो था जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। ये लीडर बनकर के सामने आए थे रेल हड़ताल के, क्योंकि बोनस वगैरह नहीं मिल रहा था इस कारण से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, कि निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, निवारक नजरबंदी मैं आपको एकदम ब्रीफली बताता हूँ कि कुछ इस टाइप से होता है ना कि अगर पुलिस को आपके ऊपर शक है ना, तो आपको क्या करेगी, गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, नजरबंद कर देगी वो। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, निवारक नजरबंदी मतलब मुख्यतः किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है, परंतु मतलब बताया गया है कि मेनली अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तभी उसको गिरफ्तार वगैरह किया जाता है। लेकिन निवारक नजरबंदी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्र रहने पर उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है तो उसे बंदी बना लिया जाता है, और इसी को निवारक नजरबंदी कहते हैं। मतलब किसी के ऊपर अगर शक भी है ना भाई, तो ले लो अंटे, उसको बंदी बना लो। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, किन्हीं दो परिस्थितियों का वर्णन करें जिसके कारण 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। सिर्फ दो परिस्थितियां बोला है, कोई सा मतलब कोई से भी आप दो बता सकते हैं। तो एक आप ये लिख सकते हैं, रेल हड़ताल, जिससे ये प्रतीत होता है कि देश के अंदर अंदरूनी गड़बड़ी थी। ठीक है, हड़ताल हो रहे थे जगह जगह पे, ये कह सकते हैं। अगला है देश में महंगाई का बढ़ना, तो ये दो कारण लिख सकते हैं जिस कारण से आपातकाल लगाया गया, और भी वेरियस कारण हो सकते हैं। ठीक है ना, आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे किन्हीं दो आर्थिक कारणों को बताइए। देखिए, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तीन कारण बांट सकते हैं कि आपातकाल को क्यों लगाया गया था। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं आर्थिक कारण की। तो आर्थिक कारण में आप कुछ ये लिख सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास चल नहीं पाया। उसके बाद लिख सकते हैं कि बांग्लादेश आजादी के युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ रहा था, आर्थिक कारणों में लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि औद्योगिक विकास की दर जो है कम हो गई थी, जो औद्योगिक विकास की दर जो थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अमेरिका द्वारा दिए जाने वाला हर प्रकार का मदद जो है वो रोक दिया गया था भारत को। ठीक है, 1971 का जब हमने मतलब युद्ध लड़के हमने बांग्लादेश को अलग कंट्री तो बना दिया पाकिस्तान से तोड़ करके, लेकिन अमेरिका हमसे नाराज हो गया था। वही अमेरिका आज हमारा क्या करता है, अच्छा दोस्त होने का नाटक करता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका दोस्त वोस्त नहीं है, वो अपना सिर्फ फायदा देखता है। आज तक के इतिहास में तो यही पढ़ा है मैंने। खैर, राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये था बच्चों आपका, आई होप कि आठवां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिकली आपातकाल लगाने जाने के पीछे इकोनॉमिकल कह लीजिए, आर्थिक क्या क्या कारण थे। तो गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास चला नहीं भाई, युद्ध हमने झेला, तो युद्ध के बाद जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पे जोर पड़ता है, तो जोर पड़ा ही हमारी अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, औद्योगिक विकास की दर जो है कम हो गई, उद्योगों का जो विकास की दर थी, जो रेशियो था या रेट था सॉरी, वो कह लीजिए कम हो गया। अमेरिका जो भी मदद करता था उससे कह लीजिए उसने सब कुछ हटा लिया, तो इसीलिए कह सकते हैं ये आर्थिक कारण थे जिस कारण से आपातकाल लगाया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, आपातकाल के किन्हीं दो सबक को लिखिए। ठीक है, देखिए आपातकाल के सबक कई बारी पेपर में पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपातकाल के आपको क्या करने हैं, सबक बताने कि आपातकाल के क्या सबक रहे हैं। कोई भी वो होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे बदला लेने की कोशिश करता है तो बोलता है ना कि बेटा सबक तो सिखाऊंगा तेरे को। ठीक है, ये काम तूने किया है इसका सबक तेरे को जरूर सिखाऊंगा, तूने मेरे को मारा है तो इसका सबक सिखाऊंगा। मतलब उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है, आप क्या सीखते हैं, एक तरह से आपको क्या सिखाया जाता है या आप खुद सीखते हैं, ये सबक होता है एक्चुअली में देखा जाए तो। देखिए आपातकाल के सबक की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। यानी कि जब आपातकाल लगा भाई, तो जो भारतीय लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, उसकी क्या कमजोरियां है, क्या ताकत है, ये सारी चीजें उजागर हो गई, सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि लेकिन जल्दी ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया।
यानी कि जो काम काज था, काम वगैरह था, वो लोकतंत्र की राह पर लौट आया। और इसी प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि मतलब भारत से जो लोकतंत्र है उसको विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी कि जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ तो भाई अदालत को समझ में आ गया कि भाई आपातकाल जब लगता है तो नागरिक तो कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो नागरिकों के अधिकार रहते हैं ना, उन पे उनकी रक्षा के लिए एकदम एक्टिवली कह सकते हैं काम किया है किसने, अदालतों ने यानी कि कोर्ट्स ने। उसके बाद बताया गया है कि तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई जो संगठन है वो भी अस्तित्व में आए हैं। इन हमारे जो अधिकार है नागरिकों के, इनकी रक्षा के लिए कई सारे जो संगठन है ये भी अस्तित्व में आए हैं। तो ये दो सबक आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं ठीक है, लेकिन दो मुख्य थे तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10वां कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। अब वो चैप्टर हमारा आपातकाल वाला खत्म हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9, भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास। जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, भारतीय राजनीति में आए बदलाव, तो वही चैप्टर का नाम बदल दिया गया है, भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास जो है इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो अध्याय के बारे में महत्वपूर्ण बातों की अगर हम बात करें तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव को देखेंगे, क्या क्या बदलाव आए हमारे, ठीक है। तो उससे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनडीए और यूपीए से क्या का पूर्ण रूप लिखिए। यहाँ पर एनडीए और यूपीए से क्या क्या अभिप्राय है वो लिखना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हिंदी में बोल देंगे आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इंग्लिश में बोलेंगे आप इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और फिर उसका हो गया आपका एनडीए का फुल फॉर्म हो गया। यूपीए का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। अपना उत्तर जो है कमेंट करके बताइए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था तो कमेंट करके बताइए होंगे आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं दो महत्वपूर्ण बदलावों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक व आर्थिक राजनीति के स्तर पर कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा दोनों को बदल करके रख दी। 1990 के बाद में देखेंगे ना तो राजनीति के अंदर कई सारा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। हमने क्या किया, नई आर्थिक नीति को अपनाई है, एलपीजी को अपनाया, उसी के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। गठबंधन की राजनीति का उदय हमें देखने को मिला, जो 2014 तक चला था, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आ गई थी। तो ठीक है, अब गठबंधन का नाम आ ही गया तो ये भी समझ लीजिए गठबंधन की सरकार से क्या अभिप्राय होता है, गठबंधन होता क्या है। देखिए, एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिल करके जब सरकार बनाया जाता है तो इसे ही गठबंधन सरकार कह देते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक पार्टी नहीं, एक पार्टी से हट करके, अगर एक पार्टी से सरकार बन गई तब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन अगर एक पार्टी से सरकार नहीं बन रही है, दो तीन पार्टियां मिल रही है और तब सरकार बना रही है, तो इसे हम लोग कह देते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मंडल मुद्दा क्या था। ये कमेंट सेक्शन में सभी को अटेंड करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन कि साहबानो केस क्या था। तो देखिए, साहबानो केस क्या था ना कि साहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसने अपने पति से तलाक होने पर गुजारा भत्ता, यानी कि उसको पैसा चाहिए था भाई, तलाक ले लिया उसके पति ने, तो उसने बोला कि मुझे गुजारा भत्ता दो जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। उसके लिए क्या किया उसने, अदालत में अर्जी डाली, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में फैसला दिया। किसके हक में, साहबानो के हक में। साहबानो एक मुस्लिम महिला का नाम था। सरकार ने एक अधिनियम द्वारा इस फैसले को निरस्त कर दिया, ठीक है। जो न्यायालय था उसने तो इसके हक में फैसला दिया, लेकिन सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम के द्वारा इस फैसले को निरस्त कर दिया कि मतलब ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका पूरा स्टोरी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं, जब चैप्टर वाली वीडियोस पढ़ाई है उसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ आपको समझ में आने लायक। जैसे कि इस तरह से समझ सकते हैं, साहबानो एक मुस्लिम महिला का नाम था, तो उसके पति ने क्या किया, जो उसका शौहर था उसने बोला कि तलाक तलाक तलाक, चल निकलो, तलाक हो गया आपसे, ठीक है। तो पहले तो यही था, तीन तलाक का मुद्दा भाई,
तीन तलाक में तलाक हो गया, अब वो हट गई उसकी जो वाइफ थी, अब वो वाइफ करे तो करे क्या, क्योंकि भाई अब चलो तलाक हो गया, उसका पति हट गया, लेकिन अब खाने पीने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला अपने पति को गुजारा भत्ता दो। तो उसके पति ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको गुजारा भत्ता नहीं दूंगा, कोई भी पैसा आपको नहीं देने वाला हूँ। तो वो कोर्ट में गई, वहां पर उसने ये चीज बोला, तो वहां पर अपील दर्ज करने के बाद कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। लेकिन सरकार ने और जो कह सकते हैं प्रो मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, उन्होंने क्या किया कि इस चीज के खिलाफ में प्रदर्शन शुरू कर दिया कि भाई तुम हमारे धर्म के अंदर अड़ंगा डाल रहे हो इस तरह से। तो ये मुद्दा काफी लंबे समय तक चला था, लेकिन बाद में जाकर के तीन तलाक को हटा दिया गया और साहबानों के हक में फैसला आया था। ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको इतना बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए सातवां क्वेश्चन है हमारा कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश से मुख्य दो सिफारिशें कौन सी थी। तो जो मंडल आयोग था उसके दो मुख्य सिफारिशों की अगर हम बात करें, तो पहला था आपका अन्य पिछड़ा वर्ग को यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो होता है, उसको सरकारी नौकरियों में 27% सीटें जो है आरक्षित कर देनी चाहिए, ताकि वो भी अपने जो कम्युनिटी है अपने वर्ग का विकास कर सके। और उसके बाद दूसरा बोला गया है कि भूमि सुधारों को पूर्णतः लागू कर देना चाहिए, यानी कि जो भूमि सुधार है उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए और उस चीज को पूर्ण रूप से लागू कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण कह सकते हैं सिफारिशें थी जो कि मंडल आयोग के द्वारा करी गई थी। तो बस बच्चों यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेकंड बुक से। आई होप कि आपको जो है सो कि समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसी है, मजा आया कि नहीं आपको ये वीडियो देख करके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।